लो टूट पड़ो भाई, टूट पड़ो। हे गाइस, आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, हम माउंट आबू घूमने आए हैं और ये उसका तीसरा व्लॉग है। ठीक है, हम यहाँ पर घूम चुके हैं। पहले व्लॉग में हम यहाँ पर आए, अर्बुदा माँ का दर्शन वगैरह किया और दूसरे व्लॉग में हमने मोटो व्लॉगिंग की। ठीक है, और भी वहाँ पर घूमे, वो भी हमने देखा। तो पिछले व्लॉग नहीं देखे तो आप देख लेना। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं, तो अभी जो हमारा सफर होने वाला है वो हम इसमें देखेंगे, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, व्लॉग को एंड तक देखते। तो अभी मैं बस में बैठे बैठा जो कल वाला व्लॉग है वो भी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, शेड्यूल कर दूंगा कल सुबह 8:30 बजे। काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, वो देख लिया होगा आपने। 1 करोड़ 1 करोड़ उसमें टाइटल है। दोस्तों, ये जो बस है ये सीधे सांडेराव जा रही है। ठीक है, तो हम बस में ही जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं जाएंगे। तो हमने आबू की रबड़ी नहीं खाई, तो अभी खा के अभी हम आबू रोड पहुंच चुके हैं। दो जने चलते, चार यहाँ पर लेके आ गए। तूने व्लॉग का ऐड कर दिया, सब लोग आबू रोड आए और आबू की रबड़ी ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा करते हो आप, तो फिर आपका आबू रोड आना सफल नहीं है, पाप लगेगा। तो हम तो खाएंगे, चल चल हम दोनों लेके आते। ठीक है, यहाँ मिलेगी रबड़ी तो दे दो चार। तो हम यहाँ पर आ गए बस स्टैंड के सामने, आबू की रबड़ी बना रहे थे। तो चलो अब चलो, इनकी और अच्छी दुकान है वहाँ पर, देखते हैं। दिखा दो टाइम नहीं, बस निकल बस बस अभी है। हाँ, तो हमारी भाई साहब ने आबू की रबड़ी तैयार कर दी। रबड़ी किंग रमेश भाई की, रबड़ी किंग रमेश भाई की, आबू रोड बस स्टैंड के जस्ट सामने। आपको दुकान शो कर देता हूँ, चलो इनकी दूसरी दुकान देखते हैं। ये है, अच्छा ये इनका कार्ड है, रबड़ी किंग। चलो थैंक यू। तो इनकी रबड़ी आप अपने शहर में भी मंगा सकते हो। ठीक है, और कुछ बताना चाहोगे अपने शॉप के बारे में? सिटी अवेलेबल रबड़ी है, रबड़ी किंग रमेश भाई शॉप का नाम है, अपोजिट टू बस स्टैंड के सामने। और ट्रेन वगैरह में ट्रेवल भी कर सकते हैं। और ये मेरा कार्ड है, आपको जब भी चाहिए इसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर। ओके थैंक यू। तो ये है रबड़ी, तो ये बस बस स्टैंड के अंदर से होकर वापस आ गई। रबड़ी रबड़ी अब अंदर बैठ के खाएंगे, मजा आएगा। लो टूट पड़ो भाई, टूट पड़ो। चम्मच लगी है नहीं? चम्मच है, स्पेशल स्पेशल। मन में नहीं पूरे हाँ, अरे मैं भूल गया, अभी जस्ट बस में याद आया, क्योंकि आप पूरा दिन घूमे और परेशान हो गए, जाते टाइम तो याद था खा लेंगे खा लेंगे। तो ये देखो, और इतनी अच्छी है कि ढक्कन चाट है। 50 रुपए की, और भी 100 रुपए वाली भी थी। तो ये देखिए, तो आप भी यहाँ पर आते हो आबू रोड, तो रबड़ी जरूर खाइए। ठीक है, यहाँ की काफी बढ़िया है, टेस्टी। तो आप, मैंने तो टेस्ट करनी है, कैसी है? बेस्ट फाइव रेटिंग। भाई थोड़ा रखा है तो कौन ही मैं देखो, पूरा खाली कर दिया, गरम पानी था इसमें, थोड़ा तो रख। ले ले तू, ले ले ब्लॉग के चक्कर में तू, ले 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 है के नहीं, खाली तो कर दी। जीतू सो रहा है और मुझे तो नींद नहीं आ रही, तो इसको कैसे सोने दो। जीतू जीतू सिरे जाने वाला है, जाग रहा है या सो रहा है? नाटक कर रहा है, इसका मतलब है। बस हो गए बंद, तो यहाँ पर रुके हैं सिरोही। चलो बाहर घूम के आए जीतू अंकल भाई, बाहर बहुत ठंड है, खतरनाक ठंड है, यहाँ तो सब टोपे डाल डाल, अंदर तो भी ठीक है ना जीतू? मुझे दिया वाली गुस्सा आ रहा है, अरे अरे घूस होकर बैठा है, मुंह चढ़ा के कितना बजे? 8 बजे आसपास। अभी अभी 10 बज गए,
दस बजे तो बस भी काम तो 11 बजे यहाँ पे बैठे पहुंचे जी घंटा तो बस रात को फास्ट चलती है फास्ट फिर हम बस में लोग देखने लग गए जी तो चीज बोलो एलिमेंटर है तो हूं तो दम हूं तो वो नहीं एक और दूसरी बात है बोलो इतनी लौट जाएगी बस चल रही थी ना आगे जाकर मैंने बस को रोड वाला सीन लिया है बढ़िया तो कब लेगा मैं तो थोड़ी बना रही हूँ अच्छा तेरे एंड हो गया कोई बात नहीं टोपा कैसे हो गया ओ बाप रे गिर जाता मैं इतना ऊपर से नीचे गिरा हुआ ये देखो इतना ऊपर से बोला के चक्कर में जी तो अरे मैं तुझे ये बता रहा था कि मैं गिर जाता और तूने करके दिखा दिया तो अभी होटल पे बस रुकी है ढाबे पर काफी बड़ी होटल है ये देखो यहाँ पर बस रुकी है ये दोनों चाय के दीवाने चाय पियेंगे टी लवर लाइक करेंगे और मैं क्या करो तो ये हमारे चाय के पिनार आज दूज रहा है चाय गिर रही है माउंट आबू पर बहुत ठंड है माउंट आबू पर तो हम थोड़ी माउंट आबू पर करे यहाँ पर इतनी ठंड है शंकर भाई तो बस में जाकर बैठ गए ठीक है क्योंकि वो बहुत ठंड लग रही है तो मैंने ये लिया है कुरकुरा चाय पी रहा है और हम अंदर बस में खाएंगे मम लेके आया हूँ मम नेम तो हमारा स्टेशन आ गया सांडेराव तो अब हम सांडेराव आ चुके हैं और यहाँ से अब जाना भी टास्क है ठीक है यहाँ से अब कोई गाड़ी वगैरह मिलनी मुश्किल है बस स्टैंड में जाता था अच्छा ये बस मतलब हमारे लिए तो ये बस स्टैंड में जाता था अच्छा मतलब ये बस हमने सांडेराव का टिकट लिया था तो ये बस हमारे चार जनों के लिए सांडेराव बस स्टैंड में जा रहे थे तो हम तो यहीं पर उतर के अब बस सीधे चली गई सीधे जाएगी पाली अब यहाँ से देखते हैं क्या अब यहाँ से ट्रक में जाएंगे एक दो बार यहाँ से मैं ट्रक में गया हुआ हूँ 12 बजे रात रबड़ी लेनी सही है क्या भाई रबड़ी तो देखते हैं अब यहाँ से कोई भी गाड़ी वगैरह मिलेगी तो जाएंगे तगड़गढ़ से जीतू के घर से बाइक लेके जाएंगे अपने घर पावटा हुआ देखते हैं भूख लगी खाने का हुआ था कहीं खाना वगैरह भी खाएंगे तापते हैं ठंड काफी है ठंड इस गाड़ी में बैठ के जाते हैं तगतगढ़ आ चुके हैं क्या कर रहा है जीतू कुत्ते को पगा रहा हूं तो जीतू के घर आ चुके हैं और बाइक लेके अब जाते हैं घर तो घर आ चुके हैं और दरवाजा खुल रहा है दोस्तों आ गया घर और टाइम हुआ है रात के 2 बजे ठीक है 2 बजे घर आया तो एक दिन में जितना आपको माउंट आबू दिखा सकता था दिखा दिया फिर हम कभी जाएंगे एक दो दिन के टूर पर ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तों बाय बाय टेक केयर